अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर हमीरपुर में युवाओं में मायूसी छा गई है। अनुराग ठाकुर के बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर रहते युवाओं को हमीरपुर में क्रिकेट स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाए जाने की आस थी, जो कि अब पूरी नहीं हो पाएगी। हमीरपुर के युवाओं का कहना है कि जो उन्होंने आशा लगाई थी वे अब पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद हमीरपुर के लिए घोषणा की थी कि हमीरपुर के युवाओं को एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यूजियम बनाया जाएगा, पर अब वो नहीं बन पाएंगे। प्रदेश के युवाओं को खेल जगत में आगे ले जाने के लिए अनुराग ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि वे अध्यक्ष पद पर पूरा समय रहते तो हिमाचल की सभी किए वायदे पूरे हो जाते। हर जिला मुख्यालय पर अपना क्रिकेट स्टेडियम होता, प्रदेश में क्रिकेट का और खेल जगत का नजारा ही कुछ और हो जाता। बिल्कुल सर, अनुराग सर को हटाने के बाद जो भी हिमाचल में प्रगति होनी थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई। जैसे हम हवाई अड्डा बनना था, यहाँ पे म्यूजियम का बनना था, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनना था, वो बिल्कुल नाकाम हो गया। अगर अनुराग जी सर होते तो हमारे हिमाचल सरकार में जितने भी स्टेडियम खोलने थे, बच्चों के लिए भी अच्छी अच्छी सुविधा मिलती, खेलने के रोजगार बनते और जहाँ से कुछ अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम में चुने जाते। ये हमारे क्रिकेट के लिए, खेल के लिए और हिमाचल के लिए बड़ी दुखद बात है, और कि अनुराग जी को उससे हटाया गया बीसीसीआई पद से। इसमें एक तो हमारे हमीरपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा की थी अनुराग जी ने, अब वो भी नहीं बन पाएगा, और एक म्यूज़ियम की केबल को बोला था उन्होंने, वो भी नहीं बन पाएगा। इससे हमें बहुत ही नुकसान हुआ, और भी खेल जो यूथ के लिए अनुराग जी कर रहे थे, खेल जगत के लिए कर रहे थे, उस पर भी फर्क पड़ेगा, और इससे हमारे हिमाचल हमीरपुर को बहुत भारी नुकसान होगा। केशन के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट।